करवा चौथ उपलक्षे बुधवार मोहनपुर स्थित तुलसी ईट भाटाय गेलें मुख्यमंत्री जयानीति देव। সেখানে গিয়ে তিনি ইটভাটায় কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে কারওয়া চৌথ পূজোর নিয়মাবলী পালন করেন। এখানেই শেষ নয়, মুখ্যমন্ত্রী জয়ানীতি দেব ইটভাটায় কর্মরত প্রত্যেক মহিলা শ্রমিকদের হাতে কাপড় চোপড় তুলে দিলেন। কারওয়া চৌথ অনুষ্ঠানকে ঘিরে নীতি দেবের এহেন মানসিকতা দেখে খুবই খুশি হলেন ইটভাটায় কর্মরত প্রত্যেক মহিলা শ্রমিকই। এদিন এই কারওয়া চৌথ ব্রত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জয়ানীতি দেব বলেন, কেন এই ব্রত পালন করেন সদবা মহিলারা? পরিবারের সবার মঙ্গলের জন্যই এই ব্রত পালন করা হয়। প্রতি বছর এটা করেন মুখ্যমন্ত্রী জয়া। बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये एक तरीका है एक महिला का अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के जो मुखिया हैं उनके प्रति अपने परिवार को एकजुट करने का, उन्हें ये बताने का कि पूरा साल जो पिता है, भाई है, पति है, वो उसकी भूमिका क्या है। इसलिए ये करवा चौथ का व्रत एक सुहागन रखती है, लेकिन वो मंगल कामना पूरे परिवार की करती है और उसके जीवन में आने वाले प्रत्येक उस व्यक्ति की करती है जिससे जिससे उसका सुहाग जुड़ा हुआ है। और मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे सुहाग के साथ पूरे 37 लाख त्रिपुरा वासियों का प्यार और आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। तो मैं खुद को हमेशा सौभाग्यवती कहती हूँ। जो पति के भाग्य से पाया जाता है उसे सौभाग्यवती महिला कहते हैं, और भाग्य तो सबके पास रहता है। आप लोगों के प्यार ने, सत्कार ने और आदर ने जो मेरे सुहाग को विजयी बनाया है और एक अच्छा लक्ष्य दिया है जीवन को जीने के लिए, इसके लिए मैं प्रत्येक त्रिपुरा वासियों को মুখ্যমন্ত্রী জয়ার ঈদ ভাটায় মহিলা শ্রমিকদের প্রতি এহেন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দেখে সবাই খুব খুশি হলেন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।